असलम टू ऑल कैसे सब लोग की सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत फिट फिटफाट होंगे और आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था मैं ब्रश करने जा रही थी और ये इतने दिन से मैं ब्रश दिखाई नहीं पाती थी जिसकी वजह से मैंने खोला ही नहीं था कि मैंने आप लोगों को दिखाना था चाहिए मेरा ना सेंसोडाइन का ब्रश है तो ये बहुत अच्छा है जिन लोगों का दिल ख़राब होता है ना ब्रश करते हुए जैसे कि मेरा होता है तो मैं छोटे मुँह का ब्रश लेके आती हूँ तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वैसे भी बहुत अच्छे जो है ना वो इससे टीथ ब्रश होते हैं अच्छा यहाँ पर मैं ना जो है सारे दस्तरखान धो रही थी तो फिर भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर पहले मैंने सर्फ में तो मैं होट पोट के अंदर ये धो रही थी तो क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह में तो ये चीज़ें नहीं धो सकते तो मैं किचन में ये सब चीज़ें होती हूँ रोटी के दस्तर खान थे तो ये मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिए थे फिर मैंने सोचा कि ना मैं मशीन लगा लेती हूँ आज ना सैटरडे था सैटरडे वाले दिन भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो छुट्टी वाला दिन था तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग भी बनाती थी चलो तो हस्बैंड भी साथ साथ सपोर्ट कर देते हैं काम शाम करवाए थे मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मेरे से बहुत हेल्प करवा देते हैं तो कपड़े जो है ना धोने इसने थे इसने और फैला के मेरे हस्बैंड ने आने थे तो मैंने कुछ भी नहीं किया बस मैंने मशीन चलाई थी <laughs> तो ना ये अलहमदिल्ला मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था माशाल्लाह से ये गिफ्ट क्यों दिया था वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी उसकी बहुत ही खूबसूरत वजह थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये इतना अच्छा गिफ्ट दिया था तो असल में ना यहाँ पे हमारे जो है ना वो बोर सिस्टम है पानी का तो सर्दियों में इतना शदीर ठंडा पानी हो जाता था कि मैं बीमार रहने शुरू हो गई थी मुझसे कपड़े फिर धुलते नहीं थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था लेकिन इसकी वजह कुछ और थी वो भी मैं इन किसी दिन आपसे शेयर करूँगी तो फिर यहाँ मैं मैंने कपड़े धो लिए थे पहले जाना मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धोती हूँ भैया वरना अगर कोई दाग शाग लग जाए ना तो मेरी खैर नहीं वो कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन के बावजूद भी अगर मेरे कपड़े साफ ना धुले ना तो बस भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है कहते है कुछ नहीं है वैसे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के हस्बैंड भी बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला इसी तरीके से जो है ना वो आ, हस्बैंड एंड वाइफ की जो है वो बॉन्डिंग बना कर रखे प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुज़र जाए और कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसमें हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो हम करते हैं तो उसके बाद फिर हमें ये वक्त नसीब होता है कि हमारे हस्बैंड जो है फिर वो हमारी हर बात मानते हैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड कपड़े फैला भी आए थे और ले भी आए थे फिर मैंने इनको ना तह लगा के रख दिया अच्छा यहाँ पे ना मैं दूध डाल रही थी बॉटल में जो मैं नई वाली एक बॉटल लेके आई थी ना तो मैंने सोचा उसमें क्या डालूं तो मैंने आपसे पूछा था तो फिर मैंने कहा जो भी डालूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था अपनी बेटी का ना तो वो लोहे वाला डब्बा था वो बड़ा गंदा सा हो गया था अब जंग शंग लग गया था उसमें तो मैंने कहा यार फीलिंग अच्छी आनी चाहिए दूध को फिर मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ ये ऑलपर्स का मैं दूध यूज़ करती हूँ पहले ना मैं नीडो का इस्तेमाल करती थी मेरे बच्चे जो है ना वो पैकेट वाला दूध पीते खुला दूध नहीं पीते शौक से तो मुझे ना पता चला कि यार ये तो नीडोज है ये तो दूध ही नहीं है तो फिर मैंने कहा और पर जाए कम से कम दूध तो है ना फिर मैंने ये वाला दूध बच्चों को देना शुरू कर दिया बाकी आप लोग की अपनी चॉइस है तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वगैरह हस्बैंड को बच्चों को करवा दिया था फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय थोड़ी थोड़ी और ये येलो वाला जो है ये मग मेरा है ब्लैक कॉफ़ी का मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ फिर लेकिन खाली पेट कभी भी नहीं पीनी फिर हस्बैंड जो है वो चिकन लेकर आए हुए फिर रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज भी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम किया काफ़ी हस्बैंड ने हेल्प करवाई साथ तो ये ना मैंने अपने बचपन को बोला था कि आप ना चिकन के फिले से बनवा के ले आइएगा ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो तो मैं ना ये पिज़्ज़ा के लिए या शोरमा के लिए या कभी किसी भी चीज़ के लिए बना के रख लेती हूँ तो ये बच्चों के लिए कभी दिल करता है ना बच्चों को तो घर में हम सस्ते में अच्छी चीज़ बना के दे देते हैं आपको पता ही है बाहर एक तो इतनी महंगाई है ऊपर से गंदगी कितनी है कि लोग गंदे मंदे पुखियों से बहुत बुरा हाल होता है बाहर बहुत कम लोग होते हैं जो सफाई सुथराई से काम करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरीके से काम करते हैं तो बेहतर है अपने बच्चों को कम बजट में ना हम अच्छा खाना दे दें तो और साफ़ सुथरा दे दें तो घर की चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना यहाँ पर जो मैंने बोनलेस चिकन था ना वो तो फिले वाला काफ़ी अलग कर लिया था और ये मैंने अलग कर लिया था इसके मैं तो या तो कोफ्ते बना लूँगी या फिर चने की दाल डाल के शामी कबाब बना लूँगी तो इस तरह ये है कि मेरे पंद्रह बीस दिन बहुत आसानी से गुजर जाते हैं तो चिकन बना रखा होता है किसी टाइम दिल करता है कभी कुछ बना ली कोई चीज़ सालन भी या फिर शॉर्मा बर्गर ये चिकन बनाया किस चीज़ के लिए था और बनाना क्या पड़ गया वो मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ इतने मज़ेदार मैंने राइस बनाए थे जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसके ये बनाऊँगी और ये बनाना है और ये बन जाएगा <laughs> तो ये मैंने स्ट्रिप्स काटी थी लंबी लंबी उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया था ना जो चिकन वाले ने फिले करके दिए थे ना उससे बहुत मज़ेदार काम हो गया था आसानी हो गई थी काफ़ी वरना मैं फिले भी मैं खुद बनाती थी यहाँ मैंने चिकन की मैरिनेशन कर ली थी मैंने इसमें तिक्का मसाला कुटी हुई मिर्चें और हल्दी नमक और जरदा रंग थोड़ी सी दही और सोया सॉस डाल के और लेमन और सिरका भी डाला था इसको मैरीनेट करके मैंने रख लिया था कि जी मैं इसको कल यूज़ करूँगी लेकिन ना मुझे रात को यूज़ करना पड़ गया क्योंकि रात में कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ने का कि ना चावल बना लेते हैं राइस बनाते हैं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ साथ साथ दोनों मिलके बनाते हैं मैंने कहा ठीक है जी देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था यहाँ मैंने ये इसमें ना दो पैकेट बन गए थे इसमें मैं आलू गोश या गोभी गोश या कोई भी सब्ज़ी वगैरह डाल के बना लूँगी तो ये मेरे महीने में दो दिन महीने में नहीं हफ्ते में दो दिन मेरे गुजर जाएंगे और चिकन गोश वग़ैरह हम जो है ना वो अहतदाल से खाते हैं हर चीज़ इत से खानी चाहिए फिर अच्छी लगती है तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चावल ये है एग फ्राइड राइस कह लें इसे वेजिटेबल राइस चिकन चिली राइस जो मर्ज़ी कह लो यार इसको आपने थोड़ा सा अपने तरीके से बनाना है अगर आप बनाना चाहें मैंने अपने तरीके से बनाया था मैंने अदरक लहसन जो है वो उसमें थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था और फिर मैंने जो है ना चिकन को सबसे पहले ब्राउन करके रख लिया था तो मतलब तो ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना इसको हल्का सा घी डाल के और मैंने इसको भून के रख लिया था अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली थी और ये चिकन की बोटी जो है ना मैंने मुंह में डाल के देखी थी इतनी मज़े की लग रही थी ना बहुत यम्मी यम्मी लग रही थी इसका ये फ़ायदा होता है कि यार कभी बच्चों का दिल कर पड़ता है अपना दिल कर पड़ता है तो बंदा कोई चीज़ बना लेता है पिज्ज़ा वगैरह बनाना होता है तो उसकी मैरिनेशन तैयार होती है तो बंदा बच्चों को बना देता है यार इस जैसे भी हालात हो ना इंसान अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते होंगे और करना भी चाहिए ताकि बच्चे बच्चों को ना हम अपने घर में रहते हुए हर चीज़ खिलए पिलाएं अल्लाह तला सब को तोफीक दिए सब के रिस्क में ज़्यादा ज़्यादा इजाफ़ा करे कि सब जो है एक अच्छी लाइफ गुजार सकें और आजकल के माहौल में आजकल के हालात में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है जो हालात मुल्क के चल रहे हैं वो भी सबको पता है और इतनी महंगाई सब्जी हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है ना कि बस अल्लाह तला जो है अपना कर्म करे और थोड़ी हमारे हुक्मरानों को हदायत दे कि बस वो भी महंगाई कम करें ताकि हर बंदा जो है अपने बजट के मुताबिक जो है आसानी से ज़िंदगी गुजार सके बिल इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं हर चीज़ ही महंगाई बस महंगा 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 सब कुछ महंगा हो गया है पर क्या करें अब खाना पीना तो खाना है ना जिंदगी गुजारनी तो है ना तो बस फिर करना तो पड़ता है सब कुछ अल्लाह ताला बस तोफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी रिसमें इजाफा करें तो यहाँ मैंने अंडे ले लिए थे मैंने पहले खाली अंडों के ही चावल बनाने थे तो फिर ना वो चिकन बना रखा था फिर नीयत ख़राब हुई कि थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ और ज़्यादा मज़े के बनेंगे यहाँ मैंने पाँच अंडे ले लिए थे उसमें सोया सॉस डाला था फूड कलर डाला था काली मिर्चें नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाली थी फिर मैंने इसका लगाया फेंटा खूब फेंटा मैंने इसको अच्छे तरीके से ना तो वो फेंटने को मैंने कहाँ बनाने तो मैं फेंटने को क्या दिखाऊं आपको पता ही है कि फेंटते कैसे कैसे यहाँ मैंने फूड कलर डाल दिया था थो थोड़ा वादू ही डाल गया था <laughs> तो ये फूड कलर डाल के ना मैंने अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया था और इन जो है ना आप बनाइएगा ये वाले राइस आपकी फ़ैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपके पास चिकन वगैरह ना हो ना तो आप खाली अंडों के भी बनाइए बहुत मज़े के बनते हैं मैं वैसे खाली अंडों के ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं बजट में रहते हुए ना कुछ ना समझ में आ रहा है बिरयानी वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं तो ये वाले चावल बना लो तो लाइट से बड़े अच्छे लगते हैं तो यहाँ मैंने अंडों को डाल के ना और इसको ना खूब इसको मैंने घुमा घुमा के इसको चक्कर दिलाए और मैंने इसका कुछ उम्मा निकाल दिया <laughs> तो फिर यहाँ पे ना ये अंडे जो है वो इस तरह बन गए थे अंडे बनाने के बाद जो है ना फिर मैंने अंडों को टेस्ट करके देखा था खाली अंडे ही बड़े मज़े के लग रहे थे तो आप लोग चाहें तो आप हरी प्याज भी डालिएगा इसमें गाजर भी डालिएगा कुछ भी नहीं मिला खाना ख़राब इतनी एक तो महंगाई ऊपर से जी बस अचानक जब चावलों का प्लान बना तो फिर कुछ भी नहीं मिला सब्जी वाले ने कहा जी पीछे से ही सब्ज़ी नहीं आ रही है अल्लाह बस गर्म कर दे अपना और सब जो है वो अच्छा हो जाए बस बार बार यही कह रही हूँ आप सबको पता है कि हमारे मुल्क के इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं सैलाब सदकान के जो लोग हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करे सब के लिए और सब अपने अपने इनकम में से कुछ कुछ हिस्सा निकालें उनके लिए और ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी सी मदद हो सके तो थोड़ी थोड़ी सी मदद करेंगे तो शायद उनके लिए हम कुछ कर सकें अच्छा यहाँ पे मैंने ना दो कनोर क्यूब ले ली थी क्योंकि मैं चिकन नहीं डाल रही थी पहले तो मैंने कनोर क्यूब डाल दी थी कनोर क्यूब से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है मैंने बंद गोभी शिमला मिर्च और यहाँ पे अंडे डाल के उसमें सोया सॉस डालना है चिली सॉस डालना है चिली सॉस भी ख़त्म हुआ हुआ था महीने का एंड था तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हुआ था लेकिन मैंने फिर भी बना लिया दो हरी मिर्चों के मैंने क्यूब डाल दिए थे इसमें क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े से ना स्पाइसी कर लूँ बहुत पीके पीके रहेंगे नमक डाल दिया था काली मिर्ची जो है ना कोशिश करनी है आपने घर की कुटी हुई मिर्चें डालनी है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मज़ेदार सा तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाले चावल फिर हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से और फिर जो है ना आपने इसमें वो जो यखनी तैयार की है ना आप लोगों ने ये मैंने कन्नौर वाली यखनी तैयार की थी तो वो फिर मैंने जो है ना पतीली चेंज करनी पड़ गई क्योंकि हस्बैंड ने कहा थोड़े से चावल ज़्यादा बना लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ताकि हम फिर वही नेक्स्ट डे जो है ना वही वाले चावल खा लेंगे मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बच्चे और हस्बैंड हम लोग जो है ना बचा हुआ खाना बहुत आसानी से खा लेते हैं बिल्कुल भी नखरे नहीं करते और अच्छी बात है इस तरीके से ही करना चाहिए बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही थी तो बादल भी गरज रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मैंने सोचा कि जब मैं वॉइस ओवर करूँगी ना तो मुझे फील होगा कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा तन्हाई फील नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने चावलों में जो है ना वो यखनी डाल दी थी चार प्याले चावल थे ना तो मैंने आठ प्याले पानी डाला था उसमें तो आप आठ के बजाय सात भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए फिर ये मैंने थोड़ा सा चिकन डाल दिया था इसके अंदर और जरदा रंग डाल दिया था बस एम ही ज़रदा रंग भी डाल दिया खुश कलर देने के लिए कलर अच्छा होना पर दिल करता है खाने को तो यहाँ पर मेरे मज़ेदार ये चावल तैयार थे, थे। चाइनीज़ चावल कह लें एग फ्राइड राइस कह लें चिली चावल कह लें चिली राइस कह लें जो भी आप कह लें फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था अलहमद फिर रात को बैठ के जो है ना वो अंगूर खा रहे थे मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे तो मैंने कहा इसका भी एक क्लिप ले लेती हूँ रात को सब बैठे हुए थे और हम साथ साथ बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो यहाँ पे मैं अंगूर खा रही थी और मेरी बेटी को देखे माशाल्लाह सब लोग जरूर माशाल्लाह बोल दिया करें बच्चों को देखे इतनी प्यारी क्यूट लग रही थी ना ये स्काफ लेके तो मैंने कहा इसका एक क्लिप ले लेती हूँ तो बैठी हुई ना एक अंगूर मेरे मुंह में दे रही थी और एक अपने बाबा के मुंह में दे रही थी और बेटे अपना मस्त हो अपना नीचे बैठ के आराम से खा रहे थे उन्हें कोई फिक्र नहीं बेटियाँ इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं रात को फिर मेरे हस्बैंड ने बनाई थी कॉफ़ी और हम लोगों ने कॉफ़ी पी और आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा दुआओं में याद रखिएगा दूसरों की मदद कीजिएगा अपना भी ख्याल रखिएगा और अच्छी अच्छी बातें सोचें अच्छा अच्छा कहें और ठीक है जनाब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अला